Thank <tries> you. कृष्ण आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान मदन सुंदर प्रभु जी मदन सुंदर प्रभु जी ने ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए से इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री की है उन्होंने जूनिपर नेटवर्क यूएसए में रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया है जिसके लिए सन दो में उनके शोध प्रयासों के लिए उन्हें प्रतिष्ठित कर्मचारी उत्कृष्टता पुरस्कार यानी एम्प्लॉय एक्सेलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया भगवत गीता के संदेश और के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के जीवन से प्रेरित होकर वे भारत लौटे तथा सन 2012 में पूर्ण रूप से वैदिक कला एवं विज्ञान के छात्र के रूप में इस्कॉन से जुड़ गए प्रभु जी इस्कॉन पुणे में कॉरपोरेट एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट फोरम के निदेशक के रूप में सेवारत हैं, जो कॉरपोरेट्स शिक्षकों और छात्रों के लिए नियमित रूप से सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं प्रभु जी टी टी एल परसिस्टेंट एसेंचर स्टर्लिंग हेल्थ केयर ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज व सिम्बॉइसिस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस आदि अन्य कई संगठनों में सत्र आयोजित कर चुके हैं जिसमें उनका लक्ष्य कार्यस्थल में सचेतन मानसिकता के साथ आत्म जागरूकता और सकारात्मक जीवन को बढ़ावा देना है वैदिक शास्त्रों के संदेश को पढ़ना और साझा करने में प्रभु जी को विशेष आनंद तथा संतोष प्राप्त होता है वह इसी कारण प्रभु जी ने भगवद गीता महाभारत रामायण और श्रीमद्भागवतम भागवतम पर आधारित कुछ पाठ्यक्रम भी तैयार किए हैं जिनसे कई लोग प्रेरित होकर अपना जीवन सफल कर रहे हैं तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान मदन सुंदर प्रभु जी के श्रीमुख से धन्यवाद हरे कृष्ण। ओम ज्ञानत मेरेंदस्य ज्ञानांजना शलाकाय चक्षुर मिलितम एतस्मै श्री गुरुवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति भक्तिवेदान्त स्वामी नितिनामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चतायदेशतारिणि जय प्रभु प्रभुनित्यानन्द श्रीअद्वत गदाधार शिवासादि गौ भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे 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 कृष्णा हम आप सभी का स्वागत करते हैं इस भगवत गीता सार कार्यक्रम में जो हम आज से शुरू करने वाले हैं इस गीता सार कार्यक्रम के अंदर हम गीता के जो 18 अध्याय हैं उसका अध्ययन और श्रवण करेंगे आज का पहला एपिसोड है तो उस एपिसोड में गीता का जो पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग उसका वर्णन करेंगे पर तो उस पर जाने से पहले भगवद गीता क्या है भगवदगीता का हमारे जीवन में क्या महत्व है और भगवत गीता किस समय किस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये गीता का ज्ञान दिया था उसके बारे में संक्षिप्त में वर्णन करके फिर हम आज का जो अध्याय चैप्टर वन अर्जुन विषाद योग उसका वर्णन करेंगे ये भगवत गीता एक प्रकार से वी कैन कॉल इट एज अ क्लासिक कॉन्वर्सेशन जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में अब से पाँच हज़ार साल पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर जहाँ पर आमने सामने एक ही परिवार के दो भाई पांडु का पुत्र ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठ महाराज सात अक्षहानी सेना लेकर खड़े हैं और सामने धितराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन ग्यारह अक्षहानी सेना लेकर खड़े हैं यहाँ एक आलिंगन करने के लिए नहीं आए ये युद्ध भूमि है कुरुक्षेत्र जिसको धर्म क्षेत्र कहा जाता है आज मतलब ये पाँच हजार साल पहले जो आज ये घटना घटी वहाँ पर दोनों भाई आज एक दूसरे की जान लेने के लिए खड़े हैं उनके बीच में युद्ध होने वाला है जिसको कहा जाता है फ्रेट्रीसाइडल वॉर ये जो युद्ध अब से पाँच हजार साल पहले हुआ ये दर्शाता है धार्मिक और आधार्मिक शक्तियों के बीच में युद्ध अधार्मिक शक्ति का नेतृत्व कर रहे थे दुर्योधन जिन्होंने धोखे से युधिष्ठ महाराज का राज्य इंद्रप्रस्थ और साथ ही साथ उनकी पत्नी द्रौपदी के संग बेजती और बहुत दुर्व्यवहार करा था पांडवों के संग और अपने हक को वापस मांगने के लिए जो युधिष्ठ महाराज ने तेरह साल के वनवास के बाद युधिष्ठ महाराज को जो अब इंद्रप्रस्थ उन्हें वापस मिलना था दुर्योधन देने से मना कर देता है तो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए जब शांति के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं तो अब युद्धिष्ठ महाराज के पास कोई और चारा या कोई और रास्ता नहीं रह जाता तो युधिष्ठ महाराज अपने चार भाइयों युधिष्ठ महाराज के साथ तो पांच हुए अपने भाइयों के संग सात अक्षोहनी सेना लेकर कुरुक्षेत्र की भूमि पर या कुछ ही देर पर युद्ध शुरू होने वाला था वहाँ पे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं और उस जगह उस समय उस अवस्था में भगवदगीता का वर्णन हुआ तो जैसे मैंने कहा ये जो युद्ध था ये आसुरिक और देव शक्तियों के बीच में युद्ध था ये पांच हज़ार साल पहले हुआ युद्ध था युद्ध उस समय समाप्त भी हुआ पर पांच हजार साल के बाद आज भी ये युद्ध नियंत्रण चलता आ रहा है युद्ध चलता आ रहा है ये कैसे हो सकता है ये युद्ध चलता आ रहा है हर व्यक्ति के मन में कई ये हृदय में जहाँ पे आसुरिक और देव शक्ति दोनों ही विराजमान है आप में से कितने लोगों का ये एक्सपीरियंस रहा है कि आपके अंदर आपके मन के अंदर कोई भी इच्छा जागृत होती है तो उसके साथ साथ दो आवाज़ें आती हैं एक कहती है कि हाँ करो आपको जीवन में आनंद मिलेगा और दूसरी ध्वनि जो आपको सुनाई देती है वो कहती है नहीं अगर नशा शराब से आपको आनंद प्राप्त होगा तो आप भूल गए हो कि उससे कितना नुकसान भी होता है इसका मतलब यही है कि हर व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की दो ध्वनि आसुरिक और देवगुण की प्रवृत्ति समान रहती हैं जो व्यक्ति को मार्गदर्शन करने के लिए या उसको उत्साहित उस प्रोत्साहित करने के लिए उसको उकसाती रहती है अलग अलग कर्म करने के लिए तो पाँच हज़ार साल पहले बोला गया भगवदगीता का ज्ञान आज भी हर व्यक्ति हर समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवदगीता का ज्ञान हर व्यक्ति के अंदर छुपा जो देव शक्ति है जो देव गुण है उसको प्रबल करता है और हमें हमारे जीवन में धर्म का पालन यह कहिए हमारे जीवन में वो रास्ता चुनने में मदद करता है जिससे व्यक्ति सुखमय जीवन व्यतीत कर सके अपना जीवन आनंद से भर सके और साथ ही साथ समाज के लोगों का सेवा और कल्याण कर सके तो इसलिए भगवदगीता का ज्ञान बहुत आवश्यक है हर व्यक्ति के सुखमय जीवन के लिए केवल इतना ही नहीं उदाहरण के रूप में मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताने का प्रयत्न करूंगा। अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है उसको किसी और डेस्टिनेशन पे जाना होता है चाहे वो अपनी गाड़ी चलाए या टैक्सी में बैठे ज़्यादातर व्यक्ति अपना स्मार्टफोन निकालता है गूगल मैप में अपना डेस्टिनेशन डालता है गूगल मैप डेस्टिनेशन डालते ही उस व्यक्ति को वहाँ तक पहुँचने का सबसे छोटा रास्ता कम समय में पहुँचने वाला रास्ता दिखाता है साथ ही साथ उतना ही नहीं अगर रास्ते में कभी ट्रैफिक जैम हो तो आपको वहाँ पर फिर गूगल मैप दूसरा रास्ता दिखाता है नेविगेट करता है कि कैसे आप अपने लक्ष्य तक पहुँच सकें उसी प्रकार भगवत गीता का ज्ञान हमारा इस जीवन इस जीवन के सफर में निरंतर मार्गदर्शन करता है हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब जब व्यक्ति के जीवन में कठिनाई या विपदा आती है कोई ऐसा है जिसके जीवन में आज तक विपदा नहीं आई है या कोई ऐसा है जिसके जीवन में आगे कभी विपदा या कठिनाई नहीं आने वाली है ये उसी प्रकार है ट्रैफिक कंजेशन के समान जब गूगल मैप आपको नेविगेट करता है उसी प्रकार भगवदीता का ज्ञान हमारा मार्गदर्शन करता है कि कैसे हम अपने लक्ष्य को ना खोएं, हम अपने डेस्टिनेशन को ना भूलें और उसमें हमारा मन एकत्रित रहे उसमें हमारा भगवदगीता का ज्ञान मदद करता है केवल इतना ही नहीं एक और चीज़ है जो भगवदगीता की स्पेशलिटी है जो गूगल मैप भी नहीं देता आपको यहाँ तक तो कि वो भगवदगीता का प्रोपराइटी प्रोडक्ट है वो कौन सा प्रोपराइटी प्रोडक्ट है वो है आपको डेस्टिनेशन समझाना गूगल मैप में आपको जहाँ पहुँचना होता है तो डेस्टिनेशन लिखनी होती है पर भगवदगीता का जो अध्ययन व्यक्ति निरंतर करता है जो श्रवण करता है ध्यानपूर्वक तो भगवदगीता उसको समझाता है या समझाती है कि व्यक्ति का लक्ष्य क्या होना चाहिए उसके जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए जैसे शास्त्र में कहा गया है तमसुमा ज्योतिर्गमया मृत्युम व अमृतम गमया व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य इस भौतिक दुनिया में जो एक प्रकाश से मृत लोगों की नगरी है जहाँ व्यक्ति का जन्म होता है मृत्यु होती है केवल व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य इस भौतिक दुनिया में भ्रमण करने के लिए नहीं बनाना चाहिए इस भौतिक दुनिया के परे भी एक आध्यात्मिक दुनिया है जहाँ अमृतम जिस दुनिया को एक बार प्राप्त करने से व्यक्ति को जनम, ना ही कभी जन्म न जरा ना मृत्यु न व्याधि प्रकार की कोई कठिनाइयाँ होती हैं उस प्रकार भगवद गीता का ज्ञान हर व्यक्ति को अपने जीवन में उसका मार्गदर्शन जीवन में आने वाली कठिनाइयों से उसको कैसे सुलझाया जा सकता है उसका मार्गदर्शन और हमारी गति हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए उसके बारे में भगवदगीता का ज्ञान बताता है इसीलिए अगर आप शिला प्रभुपाद की भगवदगीता का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उसके सेकेंड लास्ट पेज के अंदर शिला प्रभुपाद एक बहुत खूबसूरत श्लोक कोट करते हैं गीता महात्मा से और कहते हैं गीता सुगीत करतव्या किम अन्य शास्त्र या स्वयं पद्मनाभस् मुखा पदमाद्विस्त्रता उसका अर्थ क्या है ये गीता महात्मा का चौथा श्लोक है जिसमें कहा गया है ये जो भगवदगीता का ज्ञान है ये भगवदगीता का ज्ञान भगवान के द्वारा दिया गया है इस ज्ञान का अध्ययन या श्रवण कोई व्यक्ति ध्यान से करता है उसे और किसी ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है किम अन्य शास्त्र विस्तर है कोई और शास्त्र का या किसी और ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है क्यों नहीं है भगवदगीता के अंदर सात सौ श्लोक अट्ठारह अध्याय है और इन सात सौ श्लोक के अंदर पांच प्रमुख विषय वस्तु का विश्लेषण किया गया है ईश्वर कौन है जीव कौन है काल प्रकृति पांचवा कर्म इन पांच विषय वस्तु पर प्रबलता से जोड़ दिया गया है अगर आप ध्यान से सोचेंगे हमारे मन में उठने वाले सभी प्रश्नों का जवाब इन पांच विषय वस्तु को ज्ञान होते ही सारे सवालों का जवाब समाप्त हो जाए जैसे मैं कौन हूँ जन्म क्या है मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है मृत्यु के बाद क्या दूसरा जीवन है ईश्वर कौन है भगवान एक हैं अनेक हैं अगर भगवान एक हैं तो इतने सारे धर्मों की क्या आवश्यकता है भगवान ने इतने सारे धर्म क्यों बनाए भगवान ने हमें इस भौतिक दुनिया में क्यों भेजा इत्यादि प्रकार के प्रश्न हर व्यक्ति के मन में होते हैं और सबसे प्रमुख प्रश्न जो आज की तारीख में लोगों के मन में होता है मुझ जैसे अच्छे लोगों के संग बुरा क्यों होता है इन अदर वर्ड्स वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल इन का जवाब भगवदगीता और इसके साथ साथ अनेक अनेक प्रश्नों का जवाब भगवद गीता में मिलता है अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात भगवद गीता का ज्ञान कोई सांप्रदायिक जातिवाद या केवल धार्मिक ज्ञान नहीं है कृपा करके इसको जरूर समझिएगा भगवदगीता का ज्ञान या जब भगवदगीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी वो पाँच हज़ार साल पहले की बात है उस समय ना ही तो कोई अब्राहमिक रिलीजन था ना ही जो आज के मॉडर्न डे रिलीजन हैं कोई भी धर्म उस समय नहीं था उस समय केवल एक ही धर्म था जिसका नाम है वर्णाश्रम धर्म उसका उल्लेख भगवान श्री कृष्ण भगवद्दगीता के चौथे अध्याय में करेंगे उस समय उसके बारे में विस्तार से चर्चा तब करेंगे जब चौथे चैप्टर के बारे में वर्णन करेंगे वह सारांश में वर्ण आश्रम धर्म का मतलब क्या है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये हुए आपके चार प्रकार के ऑक्यूपेशंस और पर्सनल लाइफ जीने के लिए जो आश्रम बताया गया है या स्पिरिचुअल ऑर्डर बताया गया है वो है आश्रम ब्रह्मचारी आश्रम गृहस्थ आश्रम वानाप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम अगर किसी व्यक्ति का जन्म किसी बालक या बालिका का जन्म किसी कार्डियोलॉजिस्ट के घर में होता है इसका मतलब वो नहीं वो बड़े होकर सर्जन बन जाएगा या बन जाएगी इसी प्रकार किसी व्यक्ति किसी बालक का जन्म किसी ब्राह्मण कुल में होता है तो उसका मतलब ये नहीं वो ब्राह्मण कहलाता है व्यक्ति ब्राह्मण कुल ब्राह्मण लक्षण का है या क्षत्रिय या उसको ब्रह्मचारी जीवन या सन्यास जीवन व्यतीत करना है वो निर्भर करते हैं व्यक्ति के खुद के गुण कर्म के ऊपर वो तो कलयुग दुर्भाग्य की बात है क्योंकि हम आज शास्त्र नहीं पढ़ते हैं इसलिए हम अपनी नासमझ होने के कारण अज्ञानता के कारण हम लोग कहते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा है तो ब्राह्मण कहलाएगा कोई क्षत्रिय कुल में जन्मा है तो क्षत्रिय कहलाएगा भगवान इस चीज़ को नहीं कहते भगवान कहते हैं चतुर्वर्ण्यम मयाश्रष्टम गुणा कर्म विभागशाह मैंने इस समाज को व्यक्ति के गुण और कर्म के अनुसार उसका विभाजन किया है और इसमें आखिरी भाग जो कि बहुत महत्वपूर्ण है क्यों इस प्रकार से भगवान ने विभाजन करा है आज का समाज श्रद्धा या फेत के ऊपर उसका विभाजन है कोई किसी की श्रद्धा इस्लाम धर्म के ऊपर है तो कहता है वह मुसलमान है किसी की श्रद्धा जीसस के ऊपर है तो अपने आप को क्रिश्चियन कहता है और किसी की श्रद्धा हिंदू देवी देवता के ऊपर है तो अपने आप को हिंदू कहता है हाँ या ना आज का समाज इसी प्रकार श्रद्धा के ऊपर बटा हुआ है पर जो ये वर्णाश्रम धर्म है व्यक्ति के गुण और कर्म के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के अंदर क्षत्रिय गुण हैं तो वह एडमिनिस्ट्रेटर का, का काम करता था किसी व्यक्ति के अंदर बिजनेस के गुण हैं बिजनेस करने की इच्छा है तो वैश्य वर्ण का कहलाता था मतलब क्या है जो भी आप कर्म करें उसमें कैसे आनंदित रह सकें इसलिए भगवान ने वर्णाश्रम धर्म बनाया था तो मेरा प्रश्न आप सभी से है आप में से कितने लोग हैं जो आप आज ऑक्यूपेशन करते हैं उसमें आप बहुत खुश हैं या कितने लोग हैं जो आज भी सोच रहे हैं कहाँ फंस गया मैं शायद मैंने इंजीनियरिंग ना करके चार्टेड अकाउंटेंट बन गया होता तो अच्छा होता अगर आपके मन में ऐसा प्रश्न उठ रहा है तो कारण क्या है हमारा गुण क्या है हमारा वर्ण क्या है उसका हमें ज्ञान नहीं है हम पे धन संपत्ति है पर फिर भी वस्तु की शांति नहीं है हमें प्रमोशन मिलता है विदेश की यात्रा मिलती है ऑफिस की तरफ से बट काम करने में आज भी मन नहीं लगता व्यक्ति सोचता रहता है क्यों ना मैं दूसरी ऑक्यूपेशन करूं उसका कारण यही है इस प्रकार ये वर्णाश्रम धर्म हुआ करता था पहले ताकि इत्यादि धर्म जो आज हैं तो उस समय जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह ज्ञान दिया तो सिर्फ एक वर्णाश्रम धर्म था इसलिए कोई सांप्रदायिक जातिवाद का ज्ञान नहीं है और अंत में इस ज्ञान को प्राप्त करने से हमें क्या मिलेगा भगवान श्री कृष्ण नौवें अध्याय के दूसरे श्लोक में बहुत खूबसूरत बात कहते हैं भगवान कहते हैं भगवद गीता के बारे में राजविद्या विद्या पवित्रम निदमोत्तम प्रत्यक्षवागम धर्मयम कर तुम राज विद्या हे अर्जुन जो मैं तुम्हें भगवदगीता का ज्ञान दे रहा हूँ ये सभी ज्ञानों का राजा है राजगुह्यम ये सबसे सीक्रेट नॉलेज है राज राजविद्या राजघुह्यम पवित्रम ये सबसे शुद्ध ज्ञान है इदम उत्तमम इससे सर्वश्रेष्ठ कुछ नहीं है प्रत्यक्ष स्वगमम धर्मयम इस ज्ञान का पालन करने से व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो सकता है होता है और भगवान का दर्शन होता है और अंत में सुसुखम कौन ऐसा व्यक्ति है जो सुख की खोज नहीं कर रहा है और भगवान कहते हैं अगर इस ज्ञान का अध्ययन कोई व्यक्ति करता है निश्चित रूप से उसको अपने जीवन में सुख सुसुखम कर तुम अव्ययम ऐसे सुख की प्राप्ति होगी जिसका कभी नाश नहीं होता यह है भगवद्गीता हम सभी के जीवन में एक खुशी लाने वाला आज हर प्रकार की सेल्फ हेल्प बुक मार्केट में अवेलेबल हैं पर भगवदगीता से सर्वश्रेष्ठ सेल्फ़ हेल्प बुक कोई भी नहीं है इसी के साथ मैं आप सबका स्वागत करूंगा इस भगवदगीता सार प्रोग्राम में अब हम भगवदगीता का जो पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग या इसका दूसरा नाम सैन्य दर्शन है तो आइए पढ़ते हैं इस अध्याय का पहला श्लोक नृतराष्ट्रवाचा धृतराष्ट्र कहते हैं किससे संजय से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रुस्व मामका पांडव कि संजया या दृतराक्ष संजय से बोलते हैं संजय कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर मामका मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र जब पहुँचे तो उन्होंने क्या किया बड़ी आश्चर्य की बात है भगवदगीता जो हमने शुरुआत में बताया इज़ अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन वो भगवदीता ना ही कृष्णा ये अर्जुन के वचनों से शुरू नहीं बल्कि धित के वचनों से शुरू हुई है क्यों धतराष्ट्र शब्द का मतलब क्या है धृत मतलब दृढ़ या ढीठ राष्ट्र मतलब राज्य या गद्दी धित वो है जो राज्य से बहुत आसक्ति करता है या आसक्ति है जो राजा बना रहना चाहता है किसी भी कीमत पर ये वो उस प्रकार है उदाहरण के रूप में अगर उदाहरण दिया जाए जैसे विदेश में रहने वाला एक माफिया डॉन, जो अपने चेलों के द्वारा दूसरी जगह पे आतंक फैलाता है उसी प्रकार ये धतराश एक माफिया डॉन के समान है, जो सबके सामने तो बड़ा ही अच्छा मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाए पर पीठ पीछे वो सबका सर्वनाश करना चाहता है और यहाँ उसके चेले हैं उसके खुद के पुत्र शकुनी कर्ण इत्यादि लोग जिनको वो मोहरा बनाकर अपने जुए का गेम खेलने में लगा हुआ है इसलिए इस भगवदगीता की शुरुआत वाचा से हुई क्योंकि ये महाभारत कहानी का सबसे प्रमुख किरदार है जिसके कारण पाँच हजार साल पहले ये महायुद्ध हुआ और अब आगे संजय धतराष्ट्र के पूछे जाने पर श्लोक संख्या दो से लेकर श्लोक संख्या बारह तक अब संजय दुर्योधन के बारे में बताते हैं तो दुर्योधन ने क्या किया युद्ध भूमि पर पहुँच कर? दुर्योधन के बारे में संजय कहते हैं दुर्योधन घबराया हुआ है वो डिप्लोमेसी का प्रयोग कर रहा है अपने सैन्य जो उसका सैन्य है उसका बल बढ़ाने के लिए अरे सैन्य बल बढ़ाने के लिए दुर्योधन के पास ग्यारह अक्षहानी सेना है बेचारे दृष्टक के पास सात अक्षहानी सेना एक नज़रिए से आधी सेना और यहाँ दुर्योधन के पास ऐसे महान योद्धा हैं उदाहरण के रूप में भीष्म पितामह जिनको कोई मार ही नहीं सकता द्रोणाचार्य जिनको कोई हरा ही नहीं सकता वैसे कृपाचार्य जिनको कोई हरा नहीं सकता फिर साथ में शैल्या कर्ण और दुर्योधन क्या कुछ है इतने महान महान हैं उदाहरण के रूप में सोचिए आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो और सामने जो क्रिकेट टीम है उसमें ऐसे बैट्समैन हैं जिनको आप आउट ही नहीं कर सकते तो टेस्ट मैच का मतलब ही क्या है तो इस प्रकार का ये गेम होने वाला है मतलब युद्ध होने वाला है दुर्योधन के पास इतना बल इतने सारे महान योद्धा हैं फिर भी दुर्योधन घबरा रहा है अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो दुर्योधन के तेरह साल जब तेरह साल के लिए पांडव वनवास में थे तो दुर्योधन के तेरह साल का भी वर्णन आता है एक रात शांति से नहीं सोया क्यों क्योंकि कोई व्यक्ति अगर कहीं चोरी करता है या जो चोर होता है उसके मन में हमेशा भय रहता है पकड़ा गया तो बहुत डंडे पड़ेंगे उसी प्रकार ये दुर्योधन क्योंकि इसने युधिष्ठर से सब कुछ छीन लिया है चोरी से धोखे से इसलिए इसके मन में भय बना हुआ है तो बहुत प्रमुख शिक्षा सीखने को मिलती है इससे हमारे पास भौतिक सुविधा कितना ही धन संपत्ति या पोजेशंस क्यों ना हो पर ये सब व्यक्ति के मन में छुपा हुआ भय नहीं निकाल सकते जब जब व्यक्ति गलत कर्म करता है कार्य करता है वो चिंता ग्रस्त हो जाता है इसलिए कहा जाता है हर कोई व्यक्ति चिता पर एक बार बैठता है पर चिंता की चिता पर बार बार जलता रहता है युधिष्ठा महाराज नहीं दुर्योधन उस प्रकार एक श्लोक से लेकर बारहवें श्लोक तक संजया धतराष्ट्र के वचन उसके बाद दुर्योधन की अवस्था का वर्णन करते हैं अब आगे चलते हैं तेरहवें श्लोक में अब तेरहवें श्लोक से लेकर बीस श्लोक तक संजय वर्णन करते हैं पांडवों की स्थिति एक तरीके से संजय धतराष्ट्र को बोलते हैं हे बूढ़े तुम वैसे ही अंधे हो चुके हो राजन तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की तुम्हारे पुत्रों की युद्ध जीतने की कोई भी आशंका नहीं है और बहुत खूबसूरत श्लोक आता है पंद्रवा श्लोक पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंडरम दो महाशंखम भीम करम आवृको इस श्लोक में संजय बताते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख अर्जुन ने अपना शंख और भीमसेन ने अपना शंख और अगले श्लोक में सोलहवें श्लोक में युधिष्ठ महा नको सहदेव इत्यादि जो उनके संग महा महान योद्धा थे सब ने अपना शंख बजाया इससे पहले श्लोकों में संजय कौरवों के सेना में उपस्थित महान योद्धाओं के द्वारा बजाए हुए शंख का भी वर्णन करते हैं पर पांडवों को उस शंख की ध्वनि से कुछ नहीं हुआ पर यहाँ पे संजय बताते हैं जैसे ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन भीम युधिष्ठ नको सहदेव इत्यादि ने अपना शंख बजाया तो कौरवों के कैंप में हलचल मच गई जो लोग रथ पर खड़े थे उनका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया वो वहीं पर कांपने लगे जो हाथी पर बैठे थे जो घोड़े पर बैठे थे बेहोश होकर के गिर गए और जो सैन्य बल था जो ज़मीन पर खड़ा था उनको सुबह सुबह चक्कर आ गए तो इस प्रकार इस श्लोक संख्या में यहाँ पे पांडवों के जीतने के अलग अलग चिन्ह का वर्णन करते हैं संजय दत्तराज को बताते हैं हे दत्तराज पांडवों को तुम हरा ही नहीं सकते अर्जुन के रथ पे जो फ्लैग है उस पर हनुमान जी विराजमान है और केवल इतना ही नहीं अर्जुन के सारथी कौन है उसको तो कभी मत भूलिएगा इस प्रकार तेरहवें श्लोक से लेकर बीसवें श्लोक तक संजय पांडवों की सेना का वर्णन करते हैं और अब आइए इक्कीसवें श्लोक में अब बहुत ही अद्भुत घटना घटती है महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले जब दोनों पार्टीज ने शंख बजा दिया इसका मतलब क्या है क्रिकेट मैच शुरू होने वाला है राइट और नो मतलब युद्ध शुरू होने वाला है पर अब युद्ध शुरू होने से पहले अब एक बहुत महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग श्लोक आता है श्लोक संख्या 21 और 22 अध्याय एक अर्जुन कहते हैं सेन उभयोर मध्य रतम में या निरक्षे अहम योधु कामान अवस्थितान यह अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं प्रभु मैं चाहता हूँ आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेकर जाएँ मैं देखना चाहता हूँ हमसे युद्ध लड़ने की इच्छा लेकर कौन कौन यहाँ कौरवों का साथ देने के लिए आए हैं इस चीज का वर्णन श्लोक संख्या 21 से लेकर श्लोक संख्या 27 तक इस प्रकार संजय जो अर्जुन ने ये वचन बोले उसका उल्लेख करते हैं बट यहाँ पे बहुत प्रमुख शिक्षा या एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज इन श्लोक से आता है पहली चीज भगवान श्री कृष्ण पहली बार भगवदगीता में अब इंट्रोड्यूस्ड हो रहे हैं श्री कृष्ण जो भगवान है जिसको अर्जुन खुद स्वयं आगे जाके बोलेगा परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमा भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव अजम विभुम जिनको शास्त्रों में कहा गया है ओम पूर्णम अधा पूर्णम पूर्णात पूर्णम उदच्छते पूर्ण से पूर्णम आदाया पूनम एवावशिष्यते इत्यादि इत्यादि शास्त्रों में अलग अलग श्लोकों से भगवान श्री कृष्ण को संबोधित किया गया है कि अब परम ईश्वर हैं वो परम ईश्वर वो परम भगवान सच्चिदानंद वो भगवान का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ है किसी मूवी में फिल्म स्टार का हीरो का इंट्रोडक्शन कैसे होता है बड़े धमाके से और हमारे इस पूरे दुनिया का जो राजा है जो हीरो है उसका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ है एक ड्राइवर के रूप में बहुत ही अनोखी चीज़ है लोग सोचते हैं भगवान का मतलब ऑटोक्रेटिक मोनार्क जो इच्छा होती है लोगों को निर्देश देते हैं करवाते हैं वही परमेश्वर भगवान आज अपने ही सेवक मतलब अपने ही भक्त का दास के रूप में भगवदगीता में भगवान श्री कृष्ण का इंट्रोडक्शन होता है सोचने वाली बात है इसलिए कृष्ण को भक्त वत्सला कहा जाता है जो अपने भक्तों की सेवा के लिए या इच्छा पूर्ति के लिए जैसे आज अर्जुन की प्रसन्नता के लिए उसका सारथी बनने को तैयार हो गए उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उनके भक्तों का जो संबंध है बड़ा ही घुय्यम है बड़ा ही रहस्यमय है उसका ज्ञान तो हम भगवद्गीता के आगे आने वाले अध्याय में वर्णन करेंगे बट सारांश में बताने के लिए हमारे परमेश्वर भगवान का इंट्रोडक्शन इस प्रकार भगवदगीता के पहले अध्याय में होता है तो इसका उल्लेख इक्कीसवें श्लोक से लेकर सत्ताईसवें श्लोक तक आता है जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को ले जाकर दोनों सेना के बीच में रथ देते हैं और अब आगे वर्णन आता है अट्ठाईसवें श्लोक से अट्ठाइसवें से तीसवें श्लोक तक अब एक और अनोखी घटना घटती है क्या अनोखी घटना घटती है अर्जुन बोलते हैं प्रभु मैं युद्ध नहीं लडूंगा प्रभु मेरे परम पिता भीष्म पितामा खड़े हैं मेरे गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं मेरे अनेक भाई मित्र खड़े हैं प्रभु मैं युद्ध नहीं लड़ सकता और इस समय अर्जुन का मन इतना विचलित हो जाता है इतने घबरा जाते हैं उनको क्या सही है क्या गलत का एहसास नहीं होता सोचने वाली बात है अर्जुन इस समय अपने भौतिक दृष्टिकोण से उस सेना का निरीक्षण कर रहे हैं जिस कारणवश आज वो इमोशनल हो चुके हैं भयभीत हो चुके हैं मतलब क्या है जब जब व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान का कमी होती है या उसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है तब तक व्यक्ति इस दुनिया को भौतिक दृष्टिकोण से देखता है ये दृष्टिकोण कहाँ से पैदा होता है ज्ञान से भौतिक दृष्टिकोण मतलब भौतिक ज्ञान से तब तक व्यक्ति इस प्रकार जीवन में क्या सही है क्या गलत है उसमें निर्णय नहीं ले पाता आप में से कितने लोग हैं जिनको इस चीज़ का एहसास है कि डिसीजंस लेना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ तक कि छोटे छोटे डिसीजंस में भी हम हाँ ना हाँ या ना करते रहते हैं तो उस चीज़ का उल्लेख आता है अट्ठाईस से तीसरे श्लोक तक और अब हम आखिरी जो इस अध्याय एक का जो सेक्शन है जो श्लोक संख्या इकतीस से शुरू होता है जिसको कहा जाता है इस भगवदगीता या महाभारत के युद्ध का टर्निंग पॉइंट यहाँ पे अब इकतीसवें श्लोक से आगे अर्जुन चार प्रमुख कारण देते हैं जो वो बताते हैं कृष्ण को कि वो क्यों युद्ध नहीं लड़ना चाहते पहला कारण बोलते हैं कंपैशन कृपा हे hey प्रभु मैं अपने भाईजनों के संग कैसे लड़ सकता हूँ केवल वही नहीं मेरे हित के लिए क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे बड़े भाई राजा बने उनके हित के लिए करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यु होगी तो मैं ऐसा कैसे करने दे सकता हूँ ये वही अर्जुन है जिसने तेरह साल इस क्षण का इंतजार किया था उस तेरह साल की तैयारी इंतजार के बाद आज वो आके कहता मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा कि अर्जुन को पता नहीं था क्या अर्जुन के लिए सरप्राइज टेस्ट था सब पता था फिर भी भौतिक दृष्टिकोण होने के कारण अब वो विचलित हो चुका है पहला कारण कंपैशन दूसरा कारण अर्जुन देते हैं एन्जॉयमेंट हे प्रभु इस युद्ध में सब जो लोग आए हैं हमारे रिश्तेदार हैं प्रिय हैं मित्र हैं अगर सबकी मृत्यु हो गई तो सुख तो बांटने से बढ़ता है हमारा अकेले राजा बनने से हमारा क्या फायदा होगा हम दूसरों के संग सुख बांट नहीं पाएंगे आनंद नहीं ले पाएंगे तो दूसरा कारण देते हैं तीसरा कारण देते हैं पाप कर्म का फियर ऑफ सेंस अर्जुन कहते हैं प्रभु मुझे यहाँ पे युद्ध लड़ने के लिए मुझे अपने भीष्म पितामा को हराना पड़ेगा वध करना पड़ेगा द्रोणाचार्य जो मेरे गुरु हैं इत्यादियों का वध करना पड़ेगा तो उससे मुझे पाप चढ़ेगा मुझे अपने सगे संबंधियों को मारना पड़ेगा तो पाप तो निश्चित रूप से चढ़ेगा तो मैं इसलिए युद्ध नहीं कर सकता और चौथा कारण बताते हैं ट्रेडिशंस फैमिली ट्रेडिशंस जो हमारे परिवार के संस्कार हैं वो नष्ट हो जाएंगे प्रभु अगर कोई क्षत्रिय बचेगा ही नहीं क्योंकि इस युद्ध में पूरे इस दुनिया के सारे क्षत्रिय इकट्ठे हो चुके हैं और इस युद्ध में कोई मुश्किल से बचने वाले हैं ज़्यादातर तो सब लोग मारे जाएंगे तो पूरे समाज में एक प्रकार का हिंसा फैल जाएगा क्योंकि कोई राजा कोई क्षत्रिय रक्षा करने लायक बचेगा नहीं जो चोर उचक्के हैं जो अधर्मी हैं वो राज्य का अपने हाथ में बल लेकर लोगों में जितने भी हमारे संस्कार हैं जो भी वे वै, वैदिक संस्कृति है उसका नाश हो जाएगा इस चार कारण बता के अर्जुन अंत में छालीसवें श्लोक में आते आते संजय ध्रुतराष्ट्र को बोलते हैं हे धृतराष्ट्र इस प्रकार अर्जुन ने निर्णय लिया है कि अब वो युद्ध नहीं करेंगे हम अध्याय एक के समापन पर आते हैं बट एक प्रमुख बात जैसे अर्जुन के जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आई है जहाँ उसका सामना करते हुए घबरा रहे हैं उनको नहीं पता सही क्या है गलत क्या है ये परिस्थिति भगवदगीता के समाप्त होने के बाद भी बनी रहती है हा या ना और आगे गीता का ज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्जुन युद्ध लड़ते हैं और युद्ध में विजय होते हैं मतलब क्या है इस भगवदगीता के ज्ञान को सुनने के बाद प्राप्त करने के बाद अर्जुन के मन में जितना भी संशय होता है समाप्त हो जाता है तो इसका हमारे जीवन से क्या लेना देना बहुत लेना देना है जीवन में अर्जुन के जीवन में परिस्थितियां नहीं बदली पर उस परिस्थिति में उसको किस प्रकार से रिस्पॉन्स देना है उसमें बदलाव आया उसी प्रकार हमारे जीवन में भी पाँच हज़ार साल के बाद भी क्या हमारे जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आती ऐसी परिस्थितियाँ नहीं आती जो हमें इतना विचलित कर देती हूँ कि हमें नहीं पता सही क्या है गलत क्या है तो ये भगवत गीता का ज्ञान हमारा मार्गदर्शन करता है ऐसी परिस्थितियों में क्या निर्णय लेना चाहिए हो सकता है आप में से कोई कहें अरे प्रभु जी मेरे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है मानता हूँ आपके जीवन में आज ऐसी परिस्थिति नहीं है क्या भविष्य में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आएगी भविष्य में तो आ सकती है इसलिए इस भगवदगीता का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है जब व्यक्ति का मन शांत है अगर तब वो अध्ययन करेगा तो उसको और अच्छे तरीके से समझ आएगी इसलिए जिनके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कृपा करके इसका अध्ययन करिए इसका श्रवण करिए ताकि आगे भविष्य में आने वाली ऐसी परिस्थितियों का आप सामना सही रूप से कर सकें और आपको क्या डिसीजन लेना है वो आपको सही रूप से बता रहा है इसी के साथ हम इस अध्याय को यही समाप्त करते हैं समाप्त करने से पहले आपके लिए आपको सोचने के लिए एक या दो प्रश्न आपको बताकर जाते हैं पहला प्रश्न क्या लगता है आपको अर्जुन का जो निर्णय है युद्ध ना लड़ने का सही है या गलत और दूसरा प्रश्न अगर आप अर्जुन की स्थिति में होते और आपके सामने ऐसी परिस्थिति होती तो आप क्या करते या क्या करेंगे युद्ध लड़ते या नहीं लड़ते और यदि नहीं लड़ते तो अर्जुन ने आगे युद्ध कैसे लड़ा उसका उल्लेख तो हम दूसरे अध्याय से करेंगे जो हम कल पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है सांख्य योग तो इन दो प्रश्नों के साथ हम आज का अध्याय और आज का एपिसोड यही समाप्त करते हैं हरे कृष्णा जय शिला प्रभुपाद ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डी ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें एट सेवन सिक्स सेवन एट फोर फाइव एट फोर फाइव